नशे के खिलाफ पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट की ओर से जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के क्रम में सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रों में चेकिंग कर नशे की तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके चलते हल्द्वानी के प्रभारी निरीक्षक और प्रभारी SOG की संयुक्त टीम की ओर से चेकिंग के दौरान मुक्त विश्वविद्यालय के पास TP नगर से आरोपी राजू मौर्य और रोहतास कश्यप को 149 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि वे लोग रामपुर के रहने वाले हैं और राजू वर्तमान में लालडाट मुखानी में रहता है। ये दोनों रामपुर के एक आदमी से कम दामों में स्मैक खरीद कर लाते हैं और हल्द्वानी के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों और पहाड़ी इलाकों में ऊंचे दामों में बेचकर पैसे कमाते हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरे मामले में पुरोला में जाम में फंसी एम्बुलेंस के समय पर ना पहुंचने के कारण एक गर्भवती महिला को सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। बीच सड़क में महिला को कराहते देख आसपास की महिलाएं मौके पर पहुंची और सुरक्षित प्रसव कराया। बता दें कि मोरी के आराकोट गांव की गर्भवती महिला डिलीवरी कराने अपने मायके पुरोला आई थी। सोमवार सुबह महिला को तेज प्रसव पीड़ा उठी तो परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया। सूचना पर पीड़िता को लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पुरोला गांव के लिए एम्बुलेंस रवाना भी हुई, लेकिन कुमोला रोड और मुख्य बाजार में जाम के चलते एम्बुलेंस आधे घंटे तक रास्ते में फंसी रही। काफी इंतजार के बाद जब एम्बुलेंस नहीं आई तो परिजन गर्भवती महिला को लेकर पैदल ही अस्पताल के लिए निकल गए, लेकिन इससे पहले कि महिला अस्पताल पहुंचती उससे पहले ही उसने पुरोला बाजार में बच्चे को जन्म दे दिया। सड़क पर दर्द से कराती महिला को आसपास की अन्य महिलाओं ने चारों तरफ से कपड़ों से ढक कर प्रसव कराया। वहीं 500 मीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में डॉक्टरों को सूचना मिलते ही नर्सिंग स्टाफ स्ट्रेचर लेकर मौके पर पहुंचा और जच्चा बच्चा को CSC लाया गया, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।